इडली तो आपने बहुत तरीके की खाई होगी। आज मैं बनाने वाली हूँ तड़के वाली बहुत ही स्वादिष्ट इडली, और झटपट से बनकर तैयार हो जाएगी, तो पूरा वीडियो जरूर देखें। और इसके साथ बनाएंगे चटनी, तो आइए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, रानी किचन में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने वाली हूँ तड़के वाली इडली और उसके साथ बनाएंगे मूंगफली की चटनी, तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मूंगफली को ना हम रोस्ट कर लेंगे थोड़ा सा। तो गर्मी का सीजन शुरू हो गया है फ्रेंड्स, और ये हल्की फुल्की जो चीज़ें होती हैं ना गर्मी में काफ़ी फायदेमंद होती हैं, तो आप लोग इसे झटपट से बना करके ज़रूर ट्राई करें। तो मूंगफली को हल्का सा रोस्ट कर लेना है, ज़्यादा भूनना नहीं है, थोड़ा सा ना इसका जो इसमें मॉइस्चर है उसको ख़त्म करना है, ताकि जो जब हम चटनी बनाए ना तो ये अच्छे से पीस पाएँ, इसमें की नमी ख़त्म करनी है। तो ये लीजिए फ्रेंड, 2 से 3 मिनट हमने इसमें को लो फ्लेम पर भून लिया है। इसको मिक्सी के जार में निकाल लेती हूँ। आप चाहें तो इसका छिलका भी निकाल करके पीस सकते हैं। अब इसमें डाल देती हूँ हरी मिर्च, आप लाल मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तोड़ के डालेंगे तो जितना आपको तीखा पसंद हो ना उसके हिसाब से आप हरी मिर्च डाल दें। मैं 5 से 6 हरी मिर्च डाल रही हूँ, देखिए तोड़ के डाल दिया है हमने। थोड़ा सा मेरे पास धनिया बचा हुआ था हरा, तो इसको डाल देते हैं। अगर नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, स्वाद के अनुसार इसमें नमक ऐड करें। इसमें 1 चम्मच दही डाल दे रही हूँ। अब इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दे रही हूँ और इसको हम पीस लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड, चटनी हमने तैयार कर ली है, और मैंने बिल्कुल गाढ़ी सी चटनी बनाई है। इसको निकाल लेते हैं। चटनी तो बिल्कुल तैयार है फ्रेंड्स, अब इसमें तड़का लगाएंगे। तो तड़का इडली बना रही हूँ, तो उसी के साथ मैं इसमें भी तड़का तैयार कर लूँगी। तो चलिए गैस की तरफ चलते हैं। गैस पर रख दिया कढ़ाई और इसमें डाल देते हैं तेल। तो इसमें डाल देते हैं राई, उड़द की दाल, आप चना दाल भी ऐड कर सकते हो। यहाँ पे 2 सूखी लाल मिर्च डाल दे रही हूँ, और सारी चीज़ अच्छे से जब भून जाए तो इसमें डाल देंगे लास्ट में कड़ी पत्ता। तो 10 से 12 में कड़ी पत्ता, अच्छे से इसको भून लेते हैं। तो थोड़ा सा तड़का निकाल ले रही हूँ और डाल देंगे हम उसमें चटनी में। तो चटनी में डाल देती हूँ तड़का। इसको मिक्स कर देते हैं। तो ये लीजिए हमारी बहुत ही टेस्टी सब चटनी बन के तैयार है। जो बचा हुआ तड़का है इसमें हमने यहाँ पर 1.5 कप सूजी लिया है, आप जितने लोगों के लिए बना रहे हैं उसके हिसाब से आप सूजी ऐड करें। अब इसको थोड़ी देर धीमी आंच पर भून लेंगे, हल्का सा इसका कलर चेंज करना है सूजी का। इस तरह से बनाएंगे ना फ्रेंड्स इडली तो बिल्कुल भी नुकसान नहीं करता है और काफ़ी हेल्दी हो जाता है। तो थोड़ा सा इसको कलर चेंज होने तक भून लेते हैं। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, 4 से 5 मिनट हमने इसको मीडियम फ्लेम पर भून लिया है, और इसमें से अच्छी सी खुशबू आने लगी है। तो हम गैस को भी बंद कर देते हैं और इसी कढ़ाई में रहने देंगे, थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं, तब तक बाकी की जो तैयारी है ना उसे कर लेते हैं। यहाँ पे बड़ा सा हमने बाउल लिया है और यहाँ पे लिया है दही। तो पहले सबसे पहले क्या करेंगे फ्रेंड्स कि दही को डाल देती हूँ। तो 4 से 5 चम्मच इसमें दही ऐड करूँगी। तो ये दही हमने डाल दिया है, तो सबसे पहले ना इसको अच्छे से मिक्स करना है। ताकि इसमें जो गुठलियाँ हैं ना बिल्कुल भी ना रहें, अच्छे से स्मूथ हो जाए दही।
तो ये दही देखिए हमने अच्छे से फेंट लिया है, और एक कटोरी से थोड़ा सा ज़्यादा ये दही है, तो इसको अच्छे से स्मूथ कर लिया है। अब जो हमने सूजी तैयार किया है उसको देख लेते हैं। देखिए सूजी बिल्कुल रेडी हो गया है, तो इसको डाल देते हैं। तो पहले इसको ना अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। देखिए दही को हमने अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब इसमें ऐड करूंगी पानी, और इसका गाढ़ा सा ना हमें बैटर बना कर तैयार करना है। इसको 2-3 मिनट अच्छे से इस तरह से मिक्स कर देते हैं ताकि एक बराबर हो जाए। और ये देखिए अभी सूजी फूलेगा फ्रेंड्स, इसको ना हम 10 मिनट रेस्ट पे करेंगे, ढक करके छोड़ दे रही हूँ। 10 मिनट के बाद बनाना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे हमने भगोना ले लिया है, आप इडली जो आता है ना स्टीम करने वाला वो भी ले सकते हैं। इसमें एक जाली लगा देती हूँ, इस तरह से सेट कर देते हैं। तो मैंने इसमें 1.5 गिलास के लगभग पानी ऐड किया है। अब इसको ढक करके ना हाई फ्लेम पर इसको ना अच्छे से हम उबाल लेते हैं पानी को। तो 10 मिनट हो गए हैं फ्रेंड्स, चेक कर लेती हूँ। ये देखिए सूजी बिल्कुल अच्छे से फूल गई है, ये देखिए। अब इसमें ना थोड़ा सा हम बेकिंग सोडा डालेंगे, ज़रा सा डालेंगे, एक चुटकी से भी कम। और इसमें डाल देते हैं स्वाद के अनुसार नमक, और थोड़ा सा हम पानी डालेंगे, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो जैसे हम दाल का बैटर बनाते हैं, दाल चावल का इडली वाला, उसी तरह से हम इसका बैटर तैयार करेंगे। तो ये देखिए हमने गाढ़ा सा इसका बैटर तैयार कर लिया है। चलिए इसको बनाते हैं जल्दी से। तो यहाँ पे इडली बनाने वाला हमने साँचा ले लिया है, इसमें थोड़ा सा तेल लगा देते हैं, ग्रीस कर देते हैं इसको। आप चाहे ना तो कटोरियों में भी बना सकते हैं, बिल्कुल इजी तरीके से बन जाता है। अगर नहीं है आपके पास इस तरह का इडली वाला साँचा, तो इसको अच्छे से ग्रीस कर लेना है। ये देखिए हमने अच्छे से इसको ग्रीस कर लिया है। अब इसमें ना बैटर को भरेंगे, तो जितना बड़ा छोटा आप इडली बनाना चाहते हैं उसके हिसाब से आप बैटर भरें। तो यहाँ पे मैं 1.5 चम्मच के लगभग इसमें ऐड कर दे रही हूँ। तो ये देखिए हमने इसको भर दिया है, फिर दूसरे साँचे में भी इसी तरह से डाल देंगे। तो देखिए हमने अच्छे से इसमें सेट कर दिया है। अब इसको इस पे सेट कर देना है। देखिए इस तरह से लगाना है इसको, देखिए। और ये नट होता है ना ऊपर से, इस तरह से घुमाते हुए लगा देंगे। और ये देखिए बिल्कुल अच्छे से सेट हो गया है। अब यहाँ पे पानी में अच्छे से उबाल देखिए आने लगा है। अब इसमें ना बहुत ही सावधानी से इस तरह से रख देंगे, और इसको हम ढक देंगे वापस से।
ढक करके 5 से 7 मिनट तक इसको ना हम पकाएंगे हाई फ्लेम पर। तो हाई फ्लेम पर पकने देते हैं। तो 5 मिनट हो गए फ्रेंड्स, इसको चेक कर लेते हैं। ये देखिए इडली हमारे अच्छे से बन गई है, स्टीम हो गई है। तो अभी गैस बंद कर देते हैं और इसको निकाल लेते हैं। तो ये देखिए हमने इसको निकाल दिया है, इसको ठंडा होने देते हैं। तो ये लीजिए फ्रेंड, इडली बिल्कुल रेडी हो गई है और साथ में बहुत ही टेस्टी चटनी। तो आप ये ज़रूर ट्राई करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करें। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।